यूपी के जनपद कासगंज के ब्लॉक गंडवारा क्षेत्र में गांव सलावत नगर, लखापुर, ललूपुर, खड़ोया, लबेड़ सहित आधा दर्जन गांव में सुबह से टिड्डी दल ने हंगामा मचाया। यहां ग्रामीण क्षेत्र में पहुंचे टिड्डी दल को देख किसान भाई सकते में आ गए। किसानों ने थाली, चम्मच, परात आदि को बजाकर टिड्डी दल से लड़ने का प्रयास किया। हालांकि टिड्डी दल के आने से कई जगहों पर मक्का व अन्य फसलों को नुकसान पहुंचा। कोरोना वायरस के बीच किसान चिंतित हैं, व्याकुल हैं। हमारे सहयोगी बालक राम यादव इस कवरेज के लिए किसानों से मिले। बीके यादव, जिला संवाददाता, कासगंज दस्तक न्यूज़ चैनल से। मैं आपको इस आम के बाग में तस्वीर दिखाने जा रहा हूँ। आप देखिए इन पेड़ों की, आम के पेड़ों की क्या हालत बना रखी है इन टिड्डियों ने। टिड्डियों की बड़ी संख्या में एक बड़ा दल यहाँ उभरा हुआ है। यहाँ कई ग्राम पंचायतों में इसने दस्तक दे रखी है। किसान बहुत भयभीत है। ग्राम पंचायत बंगस नगर, लखापुर, सलावन नगर, लालूपुर, सिकंदरपुर बैस, थाना सिकंदरपुर बैस के अंतर्गत ये आते हैं सारे गांव। डिस्ट्रिक्ट कासगंज क्षेत्र में इन टिड्डियों का बड़ा दल ठहरा हुआ है और किसान जो है सो ये बहुत भयभीत है और ये किसान के लिए दूसरी दैविक आपदा से कम नहीं है। और किसान जो है प्रेस रिपोर्टरों से ये गुहार कर रहा है कि हमें इससे बचाने के लिए जिला अधिकारी से हमारी रिक्वेस्ट, हमारी आवाज़ जिला अधिकारी तक पहुंचाइए और ये हम कैसे सुरक्षित रहेंगे, हमें कोई उपाय बताइए। आपका नाम क्या है? सत्येंद्र सिंह, ग्राम सलावत नगर, ब्लॉक गंडवारा, तहसील पटियाली। क्या कहना चाह रहे टिड्डियों के बारे में आप? अरे टिड्डी हमारे यहाँ बहुत प्रकोप इनका भारी है। ये बहुत बड़ा नुकसान कर रही है। इनसे निजात पाने के लिए सरकार कुछ उपाय करे और हम बहुत परेशान हैं। हमारी सारी मक्का की फसल जो है नष्ट हो गई। किसी को सूचना दी आपने, जानकारी? प्रधान वगैरह को जानकारी सूचना दी थी, उन्होंने कुछ फोन किया था, उन्होंने उठाया नहीं फोन। रात 4 बजे से अब तक हम परेशान हैं।